हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की वीडियो रहने वाली है वाइब के स्पीकर्स के ऊपर में। आप सभी को मैं स्पीकर रेंज तो बता देता हूं, मतलब साउंड अपग्रेडेशन जब भी क्रेटा के अंदर स्पेशली होता है तो क्रेटा के जितने भी प्राउड ओनर्स होते हैं उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर में एक नई जान डालनी होती है। स्पीकर जब भी वो चेंज कराते हैं तो उनका यही रहता है कि मुझे स्पीकर चाहिए तो एक ए क्लास मॉडल के चाहिए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो, उसमें काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आए, झनकार आए, बेस आए और उनका एक अलग ही पूरा जो है फील रहता है कि मुझे इस टाइप की फील चाहिए। तो वो आप अगर फील रखते हैं तो आप जा सकते हैं वाइब के कंपोनेंट सेट में। आज की वीडियो में आपको पल्स सीरीज और स्लीक सीरीज बताने वाला हूं। दोनों कंपोनेंट काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा आपको साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं एंड इनकी जो क्वालिटी आती है वो काफ़ी बढ़ जाती है जब आप इसके अंदर में एम्प अपना अपग्रेड कर लेते हैं। एम्प के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में मैं आज की वीडियो में आपको जो दोनों कंपोनेंट सेट्स है वो दिखाने वाला हूँ। एक कंपोनेंट में तो आपको मैं ऐसा दिखाऊंगा कि उसमें आपको जो क्रॉसओवर है ना वो एक अलग ही फील में मिलता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पल्स सीरीज 1, मतलब कि 1 सीरीज है, और यहाँ पर स्लीक सीरीज है 2 की। तो स्लीक सीरीज 2 और पल्स सीरीज 1 को हम जो है अनबॉक्स करके आज बताने वाले हैं। तो अगर हम क्रेटा की बात करें स्पेशली, तो क्रेटा में वाइब के लिए आप इसमें जा सकते हैं जो कि 240 वॉट्स का रहता है, पूरा कंपोनेंट सेट है, काफ़ी बढ़िया आपको साउंड देता है। साउंड के मामले में जो झनकार वाला साउंड है और जो बेस वाला आउटपुट है वो दोनों ये प्रोड्यूस करने में मक्खन रहता है। इसी के साथ में जो स्लीक सीरीज है ये भी काफ़ी अमेजिंग सीरीज है, कंपोनेंट सेट है। मैं आपको पूरी जो है क्वालिटी चेकआउट कराने वाला हूं, तो जस्ट हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये 240 वॉट्स का है, ये 270 वॉट्स का है, मतलब कि हाई एफिशिएंसी कंपोनेंट ये है क्योंकि ये 270 वॉट्स का है। वहीं पर ये भी काफ़ी दमदार है इसके सेगमेंट में, तो जस्ट हम दोनों को अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, ये कुछ इस टाइप की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको मिलते हैं दो सेट ऑफ पीस ट्विटर के, दो सेट ऑफ पीस क्रॉसओवर के और दो सेट ऑफ पीस मेन स्पीकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको ये देखने को मिलता है और ये सर्टिफाइड भी है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं क्वालिटी। अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, तो अनबॉक्स हम कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, देख सकते हो आप, हर कंपनी के जो स्पीकर होते हैं उनमें आपको यूज़र मैनुअल तो देखने को मिलती है। तो ये दो बॉक्स हैं, सिंगल बॉक्स में आपको एक यूनिट पेयर मिलता है और वैसे ही इसी पेयर में भी मिलता है। तो जस्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर क्या आता है, सेम एज इट इज़ दूसरे बॉक्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट हम वन सिंगल पीस निकाल लेते हैं, तो ये देखो आप, कुछ इस टाइप की आपको पूरी पैकेजिंग मिलती है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सिंगल डोर के लिए आता है और एक और जो बॉक्स मैंने आपको बताया था उसमें आपको दूसरे डोर के लिए मिलता है। तो दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये दोनों आप देख सकते हैं, एक सिंगल पेयर के अंदर में आपको दो सेट ऑफ पीस देखने को मिल जाते हैं। तो हम जल्दी से इसको अनरैप करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर में आपको ये मेन स्पीकर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका क्रॉसओवर, काफी अच्छी क्वालिटी आपको इसके क्रॉसओवर की देखने को मिलती है, यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं, काफी अच्छी आपको इसकी क्वालिटी देखने को मिलती है, देख सकते हो आप, और काफी अमेजिंग लग रहा है। वहीं पर ये बैक में आपको ये पूरी इसकी वायरिंग देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर आप ट्विटर देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी में आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। वाइब की बैजिंग है और काफ़ी बिग साइज ट्विटर है ये, यहाँ पर देखिए आप पीछे में कनेक्शंस वगैरह के लिए पूरा आपको यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए मेन स्पीकर, वाइब की बैजिंग है, 240 वॉट्स में है और यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट स्पीकर ये देखने को मिल जाता है। ये हमारी फ्रेम है, इसको हम जस्ट रख देते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। पल्स सीरीज है 6 की, यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी, सीरीज 1 है, चेक करो आप, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, जो कोन है उसकी क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, देख सकते हो आप, कोई भी इसमें आपको लो क्वालिटी फील नहीं होगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसके आपको कोन में देखने को मिलती है, जो स्पाइडर एरिया है। और पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ओम की बैजिंग मिल जाएगी। ये है हमारा बैक साइड का पूरा मैग्नेट, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग है। 200 वॉट्स का पीक पावर प्रोड्यूस करता है, इसी के साथ में 80 वॉट्स का RMS है इसके अंदर में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पर आपने चेकआउट करी। इसी के साथ में इसका आप ट्विटर भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमारा क्रॉसओवर है, ये आप क्रॉसओवर भी देखिए, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है। तो अब हमारी पल्स सीरीज मैंने आपको पूरी चेकआउट करा दी है, अब बारी है स्लीक सीरीज की 2। स्लीक सीरीज 2 में आपको जो है ये पूरा देखने को मिलता है और इसके अंदर में जो क्रॉसओवर है उसका मैं आपको लुक चेकआउट कराता हूँ। आप सभी के मन में रहता है ना कि क्रॉसओवर थोड़ा सा एक लुक वाइज रहता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, तो क्रॉसओवर कुछ यूनिक लुक में वाइब प्रोवाइड करता है, वो मैं आपको सीरीज में 2 में दिखाता हूँ, जो कि सीरीज 2 में अपडेट हुआ है स्लीक की। तो ये आप देखो,
ये कुछ इस टाइप की पूरी बॉक्सिंग के साथ में आता है, देख सकते हो आप, कुछ ऐसी पैकेजिंग रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीक सीरीज में आपको टू बॉक्सिंग देखने को मिल जाती है, दोनों में आपको सिंगल सिंगल पेयर देखने को मिलता है। जस्ट मैं आपको वन ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। तो ये आप देखो कुछ इस टाइप की आपको ये पैकेजिंग के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रिल है, बाइक की आप ग्रिल भी देख सकते हैं, ऊपर में स्पीकर की प्रोटेक्शन के लिए आपको देखने को मिल जाती है। इसको हम जस्ट रखते हैं साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्विटर काफी अमेजिंग लग रहा है देखने में और काफी अच्छी फील प्रोवाइड कर रहा है। ये है हमारा मेन स्लीक सीरीज का स्पीकर, जो स्लीक सीरीज 2 है। क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफी हैवी कोन की क्वालिटी है स्पाइडर की। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बैक साइड में आप देखिए वाइप की, यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। और यहाँ आप देखिए ग्लॉस फिनिश में आपको यहाँ पर स्लीक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 270 वॉट का पीक पावर प्रोड्यूस करता है, इसी के साथ में 90 वॉट्स का RMS इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप के डिज़ाइन में क्रॉसओवर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक आपको लुक प्रोवाइड करता है। इसे आप बाहर भी लगा सकते हैं, जो डोर पैनल होता है उस पर काफ़ी अच्छी लुक देता है। ये क्रॉसओवर है एक्चुअली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में क्रॉसओवर की आप वायरिंग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की वायरिंग रहती है, तो इससे आप जस्टिफिकेशन देख लेंगे। और ये हमारा ट्विटर है, ये हमारा क्रॉसओवर है, और ये हमारा मेन स्पीकर है। तो ये दोनों चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ एट द एंड आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ आपको वीडियो करना है लाइक, वीडियो करना है शेयर, कमेंट करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल यूजर नेम आपको ऑन स्क्रीन नजर आ जाएगा, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।